हेलो दोस्तों, सत्यनारायण कुशवाहा आप सभी को राजस्थान की धरती से प्यार भरा नमस्कार। और चलते हैं आगे, सम्मेलन का व्यू दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अभी गंगा जल भरने के लिए जा रहे हैं लोग। और इनके जो अभी जेंट्स है, साथ में लेडीज नहीं है, बाकी जब उधर से आएंगे गंगा जल ही भर के, तो साथ में लेडीज लोग भी होंगे इनके पीछे। हमारे राजस्थान में, हमारे क्षेत्र में इसी तरह से गंगा जल यात्रा निकाली जाती है। अभी भरने जा रहे हैं और उधर से लौटेंगे तो लेडीज भी साथ में होगी इनके। जो अभी चलते हैं आगे में दिखाते हैं, ये ऐसी परंपरा है जुलूस के साथ में, गाजे बाजे और फटाके के साथ में जा रहे हैं अभी गंगा जल भरने। तो दिखाते हैं आगे, ये देखो इधर में गंगा जल भर के आ चुके हैं और साथ में बड़बेवड़ा भी है। तो ये आगे जेंट्स लोग हैं और उनके पीछे में लेडीज लोग हैं जो साथ में हैं। वो साथ में ही बड़बेवड़ा वाला जुलूस है, तो दो जुलूस एक साथ में हैं। इस वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, पब्लिक ज़्यादा है और बहुत बड़ा सम्मेलन है। ये 80 जोड़ों वाला सम्मेलन है जो सामूहिक रूप से एक साथ इनके फेरे डाले जाएंगे। 80 जोड़े जो हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में पहली बार मैंने देखा है, शायद आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, होते होंगे या नहीं होते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर दिखाएं। पता है मुझे कि आपके वहाँ पर ऐसा होता है या नहीं होता है। बाकी हमारे यहाँ पे जो ये सामूहिक युवा सम्मेलन है बापचा में, उसमें 80 जोड़े हैं। तो मैं आपको व्यू करा रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको, कैसा नहीं लग रहा है कमेंट करके ज़रूर दिखाएं। देखो कितनी भीड़ है। और ये देखो आगे जेंट्स है और पीछे में लेडीज लोग है जो सिर पे एक गंगा जल वाली चरी सिर पे रख के चल रही है। और इधर साइड में ये बड़बेवड़ा जो दो बर्तन रख के चल रही है, उसको बड़बेवड़ा बोलते हैं हमारे राजस्थान में, तो वो भी संग में चल रही है लेडीज लोग। और सब जगह अपनी अपनी दुकान रहेगी, दिखाते हैं आपको कैसा व्यू दे रहा है। सब जमा यार, आप कमेंट करके जरूर दिखाएं कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, कमेंट किया करो जी का जरूरत होगी। देखो कितना भीड़ है। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों एंड, और धन्यवाद आप सभी को मेरी ओर से।